हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मरॉक्स द वे ऑफ सक्सेस फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी फ्रॉम वेरियस फील्ड ऑफ फार्मेसी मेडिकल एंड नर्सिंग सो जो इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्म्स यूज होते हैं फार्मेसी के अंदर या फिर नर्सिंग के अंदर या फिर मेडिकल के अंदर तो उसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे regarding some important medical terms so let's start in this video lecture uh, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of farmerox now you can use farmerox e learning mobile application which is available on google play store so download their farmerox android application on google play where you will find the test series and study material on our mobile applications

एमनेसिया एमनेसिया इज ए डेफिट इन मेमरी कोज बाय ब्रेन डैमेज और डिसीज बट इट कैन ऑल्सो बी कोज टेम्पररली बाय द यूज ऑफ वेरियस सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स तो ये जो एमनेसिया है दो टाइप के होते हैं या तो वो है टेम्परली uh, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस ओके एंड या फिर कंप्लीटली लॉस ऑफ मेमरी जो होता है बाय ब्रेन डैमेज और डिसीज की जो मेनली मेमरी के रिलेटेड जो भी सेंटर्स आए हैं वो है इन ए ब्रेन ऑफ एनी पर्सन तो ब्रेन डैमेज के कारण या फिर कोई डिसीज के कारण या फिर टेम्परली कोई दूसरे कोई भी रीजन्स के कारण कि कोई डिसीज है डिसऑर्डर से जिसके कारण जो है वो टेम्पररी या फिर परमानेंट लॉस ऑफ मेमरी जो होती है उसको कहा जाता है एमनेसिया कई बार कोई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक मेडिसिंस के साइड इफेक्ट के कारण भी जो है वो एमनेसिया हो सकता है सो दिस इज रिगार्डिंग द एमनेसिया आवर नेक्स्ट मेडिकल टर्म इट इज ए एलोपेशिया सो एलोपेशिया क्या है तो जैसे ही आपने डायग्राम में फिगर में देखा इस तरह से कि इट इज ए लॉस ऑफ हेयर कि सडनली uh, कोई भी पर्संस के अंदर कोई पर्टिकुलर पार्ट uh, से जो हेयर लॉस होता है ओके okay? तो उसको कहा जाता है एलोपेसिया सो एलोपेसिया ए स्पोर्ट बाल्डनेस इज ए कंडीशन इन विच हेयर इज लॉस्ड फ्रॉम सम और ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी चाहे कोई पर्टिकुलर कोई एक एरिया में से या फिर कंप्लीट uh, बॉडी में से जो है वो हेयर जो है वो लॉस्ट होते हैं जिसको कहा जाता है मेडिकल टर्म्स के अंदर कंडीशन एलोपेसिया सो ऑफन इट इज रिजल्ट इन ए फ्यू बाल स्पॉट्स ऑन द स्काल्प इच अबाउट द साइज ऑफ कॉइन कि जो यहां पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कोई कॉइन होता है उसकी साइज के ऐसे बाल्ड स्पॉट आपको दिखेंगे ओके हियर यू कैन सी वेरियस बाल्ड स्पॉट इन ए स्काल्प इच अबाउट द साइज ऑफ ए कॉइन एंड दे आर ए लॉस ऑफ हेयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया सो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रिजल्ट इन ए एलोपेसिया पीपल आर जनरली अदरवाइज हेल्थी कोई बार साइकोलॉजिकल uh, स्ट्रेस ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि जिसके कारण एलोपेसिया होने के चांसेस होते हैं या फिर कोई डिसीज कंडीशन है डिफेक्ट है या फिर कोई डिसऑर्डर से उसके कारण भी एलोपेसिया होने के चांसेस है एलोपेसिया यू टू दिस टर्म लॉस ऑफ हेयर है एलोपेसिया कि ये जो मेडिकल टर्म्स में से कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसके लिए ये इनका जानना बहुत ही जरूरी है अब दूसरा जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म है हमारे सामने वो है एनोरेक्सिया तो एज यू हैव सीन इन दिस दिसग्राम इट इज ए लॉस ऑफ एपेटाइट ओके कि खाना सामने होने के बावजूद भी uh, भूख नहीं लगती या फिर uh, खाने की इच्छा न होना ओके okay? तो डेट इज कॉल ए एनोरेक्सिया सो इट इज कॉल ए लॉस ऑफ एपेटाइट इम्प्लाइज दैट हंगर इज एबसेंट अ पर्सन विथ एनोरेक्सिया है नो डिजायर टू ईट ओके की जो हम बात कर रहे हैं डिजायर की कि खाना सामने होने के बावजूद भी जो पर्सन है जिसको एनोरेक्सिया है उसको खाने का मन नहीं होता या फिर देर इज एब ऑफ ए हंगर सो रिजल्टिंग इट इज एनोरेक्सिया इन कॉन्ट्रास्ट अ पर्सन विथ एटिंग डिसऑर्डर सच इज एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा इज ए हंग्री बट रिस्ट्रिक्ट फूड इंटैक और वॉमिट आफ्टर ईटिंग बिकॉज ओवर कंसर्न अबाउट द वेट गेन कि जो हमने uh, एक और एक टर्म होता है हमारे लिए वह है बुलिमिया बुलिमिया मतलब कि किसी इंसान को ऐसा लगता है कि खाना खाने से उसका जो वेट है वो इंक्रीज होगा ओके okay? या फिर एक्सेसिव uh, खाना हो गया ऐसा लगेगा उसको या फिर मैं ये चीज खा जाऊं खाऊंगा तो उससे उसका फैट बढ़ने का उसको डर लगता है या फिर उसका बॉडी का जो वेट है ओके बॉडी वेट इंक्रीज होने का उसको डर लगता है कि जो माइंडसेट इसका जो ऐसा हो जाता है वो कंडीशन को कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा तो बुलिमिया नर्वोसा के कारण भी ये आगे जाके एनोरेक्सिया होने के चांसेस है कि जिसको हम कह सकते हैं लॉस ऑफ एपिडाइट के फिर ऐसे हैबिट ही हो जाएगी पर्सन की कि जिसके कारण उसके अंदर खाने की इच्छा जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म इट इज ए इंसोमिया ओके सो एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम कि रात को तीन बजे है ओके okay, फिर भी ये जो इंसान है उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही है या फिर इरेगुलर पीरियड्स ऑफ ए स्लीप ओके किसम कोई दिन बारह बजे आपको नींद आती है ओके okay, कोई टाइम ऐसा होता है कि एक बजे आपको नींद आती है दो बजे या फिर आप तीन बजे तक जागते हैं और उसके बाद आपको नींद आती है So, this kind of conditions are called insomnia. So, in medical terms, loss of sleep or irregular periods of sleep is called insomnia. So, insomnia includes trouble falling asleep or staying asleep. Episodes may come and go, last up to three weeks, uh, be short term or be long lasting. समझो कि लॉन्ग लास्टिंग हो तो जिसको हम क्रॉनिक कह सकते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए है तो, कह सकते है उसको। एक और भी टर्म आपको ये याद रखना जरूरी है कि इनसोमनिया uh, नहीं बट हाइपरसोमिया इट इज दंडीशन पीपल है दिन में ज्यादा सोने की जो आदत है कि समझो कि दिन में कोई दो घंटा से होता है या फिर थ्री आवर्स ओके टू और थ्री आवर्स दिन में आप सोते हो उसके बजाय समझो कि आप छह से आठ घंटे तक दिन में भी सोते रहते हैं तो वो कंडीशन फिर कहा जाएगी हाइपर सो इन सोमनिया मीन्स लॉस ऑफ स्लीप एंड हाइपर सोमनिया इट मीन्स डे टाइम स्लीपीनेस एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस इट मीन्स हाइपर सोमनिया नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म इट इज ए एग्यूसिया इट मीन्स लॉस ऑफ टेस्ट ओके कि जो हमारी टंग uh, के ऊपर ऐसे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टेस्ट ऑफ एनी स्टफ्स और एनी फूड वी टेक सो अगुसिया इज द लॉस ऑफ टेस्ट फंक्शन ऑफ द टंग द इनएबिलिटी टू डिटेक्ट स्वीटनेस सॉरनेस बिटरनेस

एन अगुसिया इट मीन्स लॉस ऑफ टेस्ट तो ये दोनों मेडिकल टर्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड uh, ही है ओके okay? तो ये दोनों आपको याद रखने हैं व्हाट इज एगुसिया एंड व्हाट इज एनोस्मिया नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म इट इज एम्नोरिया सो एमनोरिया इट मीन्स लॉस ऑफ मैंसिस ओके एमनोरिया इट मीन्स द लॉस ऑफ मैंसिस सो एम्नोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल वन और मोर मिस्ड मैंियड एक से ज्यादा पीरियड्स जो लॉस होते हैं उसको कहा जाता है एम्नोरिया फिर कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन सो हैव मिस्ड एटलीस्ट थ्री मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इन ए रो है एमनोरिया एस डू गर्ल्स बिगन मैं बाई एज फिफ्टीन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमनोरिया इज ए प्रेग्नेंसी की जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो एमनोरिया जो होता है वो कॉमन है बट नॉर्मली एट द एज ऑफ फोर्टीन या फिर फिफ्टीन मैं ट्यूरेशन साइकिल स्टार्ट होता है फर्स्ट जिसको हम मीनार की कहते हैं सो एबसेंस ऑफ मीनार की और लॉस ऑफ मैं इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ एमनोरिया या फिर ड्यूरिंग द प्रेग्नेंसी या फिर स्ट्रेस के कारण जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स डिले होते हैं उसको भी कहा जाता है एमनोरिया नेक्स्ट इज हाइपोस्थेसिया इट मीन्स लॉस ऑफ सेंसिटिविटी कि समझो कि कोई सेंसिटिविटी काफी लॉस हो जाती है कोई टच की ओके okay? तो उसको हम कहेंगे लॉस ऑफ सेंसिटिविटी इट मीनस हाइपोस्थेसिया हाइपोस्थेसिया और नमनेस इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वेरियस मेडिकल कंडीशंस विच मैनिफेस्ट एज ए रिड्यूज सेंस ऑफ टच और सेंसेसन की जो सेंसेसन या फिर जो टच के रिलेटेड सेंसेस है वह रिड्यूज होता है हो जाते हैं किसी पर्सनस के अंदर तो उसको हम कह सकते हैं मेडिकल टर्म टर्मिनोलॉजी के अंदर हाइपोस्थेसिया

ओके लॉस ऑफ मेमोरी मतलब कि एमनेसिया सेकंड टर्म हमने जो पढ़ा वो है एलोपेसिया इट मींस द लॉस ऑफ हेयर थर्ड इज एपेटाइट नेक्स्ट इज इंसोमिया इट मींस लॉस ऑफ स्लीफ एग्यूसिया इट मींस लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन एमनोरिया इट मींस लॉस ऑफ हाइपोस्थेसिया इट मींस द लॉस ऑफ सेंसिटिविटी और इट इज ऑल्सो कॉल ए नमनेस आगे और भी जो कुछ मेडिकल टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे तब तक आप जो है वो फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं अवेलेबल सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टेस्ट सीरीज कॉन्टेक्ट वन नाइन जीरो टू जीरो You can also use the PharmaRox mobile application Android application on Google Play.